नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 7 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप नंबर 6 में आपको आपको पता हो, स्टेप नंबर 6 में हमारे साथ फाइनल जो प्रोडक्ट आया था वो 3-phosphoglyceric एसिड था, जिसका ये स्ट्रक्चर था। अब स्टेप नंबर 7 में इस 3-phosphoglyceric एसिड के साथ क्या होता है, दिस 3-phosphoglyceric एसिड एंड स्टेप नंबर 7, इट विल बी कन्वर्ट इनटू 3-phosphoglyceric एसिड एंड टू 2-phosphoglyceric एसिड। 3-phosphoglyceric एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2-phosphoglyceric एसिड में इन स्टेप नंबर 7। इसके टाइटल से, जो स्टेप नंबर 7 का जो यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा है, इससे आपको पता लग गया होगा कि इसमें क्या होगा। सो कोई पासपोर्ट ऐसे रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि पासपोग्लाइसिरिक एसिड पासपोग्लाइ मतलब पासपेट ग्रुप वही है, सिर्फ पोजीशन 3 से पासपेट ग्रुप चला गया है, पोजीशन नंबर 2 में पासपेट ग्रुप चला गया है। सो ये जो पासपेट ग्रुप थी 3 पोजीशन से 2 पोजीशन में चला गया, बाकी कंपाउंड बाकी स्ट्रक्चर वही सेम होगा। सो इट मीन्स कि ये जो स्टेप नंबर 7 है, इसमें आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म। एंड जो स्टेप जो 3-phosphoglyceric एसिड है, ये अब ये जो इसका आइसोमेरिक फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2-phosphoglyceric एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो एंजाइम यूज है वो म्यूटेज एंजाइम है, म्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोग्लाइसिरेट म्यूटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज होता है, फॉस्फोग्लाइसिरेट म्यूटेज एंजाइम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ये आइसोमेरिज्म कास करेगा, और 3-phosphoglyceric एसिड के जो थर्ड पोजीशन पर, एट पोजीशन 3 पर जो फॉस्फेट ग्रुप है, उस फॉस्फेट ग्रुप को पोजीशन 2 पर लाएगा और आइसोमेरिज्म कास करेगा। सो इसका थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चरली समझाता हूँ। सो क्या होता है कि फर्स्ट नंबर 3-phosphoglyceric एसिड होता है, 3-phosphoglyceric एसिड। सो 3-phosphoglyceric एसिड, 3-phosphoglyceric एसिड, 3-phosphoglyceric एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ एंड सी ओ एच, ये स्ट्रक्चर है 3-phosphoglyceric एसिड का। सो पोजीशन नंबर 1, 2, पोजीशन नंबर 3। सो ये जो 3-phosphoglyceric एसिड है, इसका जो पोजीशन नंबर 3 और 2 जो के है, 2 पर ये जो OH है, सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है स्टेप नंबर 7 ग्लाइकोलाइसिस का। सो 2 पर जो OH ग्रुप है और 3 पर जो ये OPU3H2 है, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, दिस विल एक्सचेंज विद ईच अदर, स्टेप नंबर 2 और सॉरी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 अपने जो ये पार्ट्स है, कार्बन 2 का OH और कार्बन 3 का OPU3H2, ये आपस में एक्सचेंज करेंगे। सो 3-phosphoglyceric एसिड यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्योंकि थर्ड कार्बन पर ये अटैच है। अब ये 3 से 2 में कर, 2-phosphoglyceric एसिड में कर, यानी ये 2 पोजीशन पर आ जाएगा और OH जो के है कार्बन 3 के साथ अटैच हो जाएगा। सो किस तरह स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा, सो द स्ट्रक्चर विल बी कार्बन डबल बॉन्ड ओ OH COPU3H2 एंड H कार्बन H एंड OH, बाकी स्ट्रक्चर अपनी जगह पर आ जाएगा। सिर्फ अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, 1, 2, 3। सो अब 2 पोजीशन पर ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, सो इसलिए इसको कहते हैं 2-phosphoglycerate या 2-phosphoglyceric एसिड इसको कहते हैं, 2-phosphoglyceric एसिड या 2-phosphoglycerate। सो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप देख ले, 3-phosphoglyceric एसिड में और 2-phosphoglyceric एसिड में, सिर्फ ये दो जो के है पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, यहाँ पर 2 के साथ OPU3H है, यहाँ पर OPU3H2, और जो 2 के साथ OH था, ये 3 के साथ कार्बन नंबर 3 के साथ मिल गया, ये कार्बन नंबर 3 के साथ ये OH मिल गया, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। सो 3-phosphoglyceric एसिड विल कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglyceric थ्रू दिस एंजाइम
phosphoglycerate mutase enzyme through this enzyme. So ye tha aapka step number 7 glycolysis tha.